नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धन्वंतरी आयुर्वेदा में। जिस तरह से कपूर का उपयोग घर में पूजा पाठ के लिए होता है, ठीक उसी तरह से कपूर का इस्तेमाल प्राचीन टोटकों के लिए भी किया जाता रहा है। कपूर का इस्तेमाल घरों में पूजा के लिए होता है और ज्यादातर कपूर का इस्तेमाल आरती के समय किया जाता है। इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कपूर से तन मन को शांति भी मिलती है। कपूर आपकी सेहत के लिए भी लाभदायक है। साथ ही साथ कपूर आपके बिगड़े हुए कामों, पैसों की कमी और वास्तु दोष को भी ठीक करता है। आइए जानते हैं कैसे करें कपूर का प्रयोग घर की समस्या को दूर करने के लिए। कपूर के ये उपाय बनाएंगे मालामाल धनवान बनने के लिए। यदि आपके पास धन की कमी हो या धन की समस्या से जूझ रहे हो तो आप कपूर का इस्तेमाल करें। रात के समय में चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग को जलाएं। इस टोटके को कुछ दिनों तक राज करें। यह उपाय आपको धन से मालामाल कर देगा, पैसों की कमी भी नहीं रहेगी। किस्मत चमकाने के लिए जब हजार कोशिशों के बाद भी काम नहीं बनते हैं तो ऐसे में कपूर आपकी किस्मत के ताले को खोल सकता है। शनिवार के दिन कपूर के तेल की बूंदों को पानी में डालें और फिर इस पानी से रोज स्नान करें। यह टोटका आपकी बंद किस्मत को खोलता है और आपको बीमारियों से भी बचाता है। दुर्घटना से बचाव के लिए टोटका, दुर्घटना कभी भी हो सकती है, ऐसे में बचाव बहुत ही जरूरी है। आप रात के समय में कपूर को जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस अचूक टोटके से इंसान किसी भी तरह की प्राकृतिक व अप्राकृतिक दुर्घटना से बचता रहता है। वास्तु दोष दूर करने का टोटका, आपके कई काम इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि इसके पीछे वास्तु दोष होता है। वास्तु दोष को खत्म करने के लिए घर में कपूर की दो गोली रखें और जब यह गल जाए फिर दो गोलियां रख दें। ऐसा आप समय समय पर करते रहें या बदलते रहें, इससे वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। सुख शांति के लिए कपूर का वैदिक टोटका, यदि आपके घर में परेशानी रहती हो तो कपूर को घी में भिगाएं और सुबह और शाम के समय में इसे जलाएं। इससे निकलने वाली ऊर्जा से घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है जिससे घर में शांति बनी रहती है। विवाह ना हो रहा हो तो समय पर, यदि विवाह ना हो तो फिर विवाह रुकने की समस्या भी हो सकती है। यदि विवाह में किसी भी तरह की समस्या आ रही हो तो आप 6 कपूर के टुकड़े और 36 लौंग के टुकड़े लें। अब इसमें चावल और हल्दी को मिला लें। इसके पश्चात आप देवी दुर्गा को इससे आहुति दें। इस टोटके से शादी जल्दी होती है। यदि इंसान विश्वास से इन उपायों को करता है तो उसे इनका फायदा जरूर होता है। दुनिया समस्याओं से पहले से ही घिरी हुई थी और आज भी ऐसा ही है, इसलिए प्राचीन ग्रंथों में इंसान की समस्याओं का निवारण करने के लिए मुनियों ने इनके उपाय बताए जिससे मानव का भला हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।